दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंकाई कोच की बेईमानी सरेआम बीच मैदान में पकड़ी गई, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और उनकी यह हरकत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। तो आखिर कैसे श्रीलंका की बेईमानी आई पूरी दुनिया के सामने, क्या कुछ करते बीच मैदान में नजर आए उनके हेड कोच, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका की हराकर एशिया कप में फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एशिया कप में भारतीय टीम का हौसला पूरी तरह से बुलंद है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पिछला मैच 228 रनों के बड़े अंतराल से जीता था और अब श्रीलंका के सामने कड़ी चुनौती थी। लेकिन टीम का हौसला सातवें आसमान पर था जब मैदान पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए आए और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी आक्रामक पारी की शुरुआत की, जिसे देखकर हर कोई जश्न में डूब गया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और रोहित शर्मा ने अपना लगातार तीसरा अर्धशतक एशिया कप में ठोक दिया। भारत के एक एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कुल 5 विकेट झटक लिए। वहीं बचे हुए विकेट टीम के खतरनाक स्पिनर असलंका ने झटका कर भारतीय टीम की 197 रनों पर ही कमर तोड़ दी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 33, केएल राहुल ने 39 रन बनाए। लंका के तेज गेंदबाजों को भी एक भी विकेट नहीं मिल पाया और केवल स्पिनरों से मिलकर 9 विकेट उखाड़ दिए और भारतीय टीम का स्कोर 197 रनों पर 47 ओवर में 9 विकेट गिर गया। इसी मैच के दौरान श्रीलंकाई कोच को पवेलियन के बाहर बैठकर चीटिंग करते हुए देखा गया। पहले भी कई बार श्रीलंकाई कोच को इस हरकतों से वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर उन्हें यह हरकत करते हुए देखा गया, जिसके बाद उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। श्रीलंका कोच मैदान के बाहर बैठकर खिलाड़ियों को नंबर कार्ड के साथ बेईमानी करने का इशारा कर रहे थे और यह हरकत उनके कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया। उनकी हरकतों पर हर कोई खफा है, लेकिन ये कोच अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। हर बार वो ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। इनको कई दफा ICC और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग भी दी है, लेकिन उनकी इस हरकतों से कान पर कोई जू नहीं रेंगता। तो दोस्तों, श्रीलंकाई कोच के द्वारा किया गया यह हरकत आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।